दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, आपका फंटास्टिक गुरुजी में स्वागत है। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक टाइम पे करते रहिएगा बेल आइकन को दबा के, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए आज मैच लाए हैं स्टार एंड रेगिनेट्स के बीच में, जो खेला जाएगा 27 मैच है ये, और 3 जनवरी को जो खेला जाएगा मेलबर्न ग्राउंड में। इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं, और टीम अभी इसकी डाल दी जाएगी, कच्ची पक्की टीम रहेगी। जैसे ही अब अनाउंसमेंट होती है टीम की, आपको डाल दिया जाएगी, टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, और हमारा मेन मोटिव रहेगा आपको फ्री से फ्री टीम देने का और कम लॉस करवाने का, मैक्सिमम लॉस नहीं रहेगा। आप इसमें ग्रैंड लीग में ज्वाइन करना, टीम कैप्टन वाइस कैप्टन मेरी तरफ से जो मिलेंगे, आप सेम भी लगा सकते हैं, और चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और हमारा मेन मोटिव रहेगा कि आपको टाइम पे टीम मिल जाए, 10 मिनट पहले ही टीम डाल दी जाएगी। पहले मैं एक टीम देता था, अब मैं 2 टीम में दिया करूँगा, जिससे आप ग्रैंड लीग थोड़ा आसानी से जीत सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारा लूज ना हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारा लिंक रहेगा टेलीग्राम का, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार और रेगनेट्स के बारे में बात करते हैं। पहला मैच नहीं, 27 मैच है ये। चलो बात करते हैं पिच ग्राउंड के बारे में। यहाँ पर T20 के डोमेस्टिक जो भी अब तक 60 मैच हुए हैं, इसमें 27 बैटिंग पहले वाले ने जीते हैं और सेकंड बैटिंग वाले में 32, टाई एक बार रहा है। एवरेज स्कोर 160 का रहा है, हाईएस्ट इसमें स्ट्राइकर का जो रहा है 2073, 273 रन पे 2 विकेट, लोस्ट इसका स्ट्राइकर का रहा है 68 पे 10 आउट। तो एवरेज स्कोर ही बनता है आज जो अभी तक इनके परफॉर्मेंस रहा है, और प्रीवियस सीजन में इसका मैच में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं। एवरेज स्कोर 193-172 रहा है, उसमें से ही फर्स्ट बैटिंग वाले 5 जीते और सेकंड बैटिंग वाले भी 5 जीते, मतलब कि कोई भी जीत सकता है इसमें, कोई वो नहीं। हमने तो मोस्ट पिक जो भी रहेंगे प्लेयर वो जरूर लेने हैं इसमें, जो अभी करंट में अभी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। इसमें हमारे पेसर को ज़्यादा विकेट मिली है स्पिनर के रिगार्डिंग, क्योंकि पिच में फर्स्ट इनिंग के बाद अच्छा ही मतलब कि बन जाता है, पेसर को विकेट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को विकेट मिलती है। चलो पिच रिपोर्ट के अनुसार इसमें T20 का भी देख लो आप, ये भी हमने निकाला है। इसमें स्कोर फर्स्ट बैटिंग का सेकंड बैटिंग का 131-155 ही रहा है, और स्पिनर को 16 विकेट मिली और पेसर को 8, देखो फर्स्ट इनिंग का यही रहता है। और सेकंड इनिंग में भी एवरेज स्कोर चेंज हो जाता है, कोई इसमें वो नहीं है। हेड टू हेड स्टैट देख के तो अभी तक यहाँ पर 22 मैचेस हुए हैं, स्टार वाले ने अभी 15 विन किए और रेनगार्ड्स वाले ने 7 विन किए, टाई 0 हुआ है। बोट टीम की बैट एंड बॉलिंग स्टाइल के बारे में देख लीजिए आप। मेलबर्न स्टार के बारे में, इसने 6 मैच में 2 विन किए और 4 लूज किए, और मेलबर्न रेनगार्ड्स में 7 मैच में 3 विन और 4 लूज किए हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कौन कौन सा बैट्समैन है, राइट हैंड बॉलर एंड लेफ्ट हैंड बॉलर, सब इंफॉर्मेशन है, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेयर के कौन किसके आगे टिक पाता है कि नहीं ये भी जरूरी होता है। और स्टार प्लेइंग 11 में बात करें तो जॉन क्लार्क विकेट कीपर है, अच्छा परफॉर्मेंस देर से, मोस्ट पिक रहेंगे। टी रोजर बॉलिंग का भी बहुत अच्छा और बैटिंग का भी सही परफॉर्मेंस है। वेबिस्टर का अभी तक ठीक चल रहा है, एमस्टोनिस अभी कुछ मैचों में चलने लगे हैं, एचवेरियट भी अच्छा खेल रहे हैं एंड लेकिन भी थोड़ा परफॉर्मेंस इनका डल ही है। और बॉलिंग के बाद टोंट बोल्ट अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, और एडिन जंपा विकेट पे शुरू मैचों में तो विकेट लिए, अब मैचों में कुछ विकेट नहीं ले पा रहे, थोड़ा देख के खेलिएगा। और इनके ओपनर बॉलर की बात करें, टोंट बोल्ट और एल हिथ से ये बॉलिंग कराने आएंगे, डेथ में एलवुड टी बोल्ट और एल विथ में स्टोनिस भी करा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 4 ओवर का पूरे डालते हैं वो टोंट बोल्ट रहेंगे, एलवुड रहेंगे, एडिन जंपा रहेंगे, बाकी 2-2 ओवर वगैरह कर सकते हैं। स्टार वालों की स्टैट्स वर्क बारे में बात करें तो आपको हर प्लेयर की स्टैट्स, कोई भी बंदा नहीं खेलता तो स्टैट्स को देख के आप चूज़ कर लीजिएगा, कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज लगे मेरी टीम में। बाकी मैच में जैसे ही अनाउंसमेंट होती है मैं आपको टीम डाल दूंगा। ऑलराउंडर स्टैट्स में भी देख लीजिए आप, बॉलिंग सेक्शन में भी देख लीजिए। रेनिगेट की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, गुप्टिल कुछ खास नहीं चल रहे हैं, बट ये कभी भी चल सके, बड़े प्लेयर हैं। सोनमार्स अभी फॉर्म में चल नहीं रहे, पिछले मैच नहीं खेले हैं,
स्कीपर भी कुछ खास नहीं है, फिंच अभी फॉर्म में, मोस्ट पिक रहेंगे, जेम वाला भी फॉर्म में आ चुके हैं, इसको भी लेना पिक रहेगा। स्विट्जरलैंड विकेट भी ले जा रहे हैं बॉलिंग वगैरह, एवसन मोस्ट पिक रहेगा। टी रोजर का तो आपको पता है बैटिंग भी करते हैं, के रिचर्डसन बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं है, एक मैच में 0, एक में 1 विकेट, 0 फिर 2 विकेट, 0 फिर 2 विकेट, ऐसे मुझे भी रहमान में भी ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा बैटिंग और ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, बॉलिंग की तरफ हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। रेनिगेट्स के पे 11 के बारे में देख लो, टीम कौन बंदा कितना स्टेट्स वगैरह इनके डाल दिए हैं, ऑलराउंडर बॉलिंग के भी जो भी अभी तक मैच में स्टेट्स रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, प्लेयर वाइज स्टेट्स हैं बॉलिंग सेक्शन के। हेड टू हेड बात करें, मैक्सवेल का एवरेज स्कोर आया, स्टोनिस का भी एवरेज स्कोर है, फिंच का बहुत ज़्यादा अच्छा है, सोनमार्स का मोस्ट पिक रहेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, और एच के रिवेट का भी बहुत अच्छा है, जॉन क्लार्क को आप एवरेज स्कोर में छोड़ सकते हैं, और बाकी स्टेट्स आपके सामने है हेड टू हेड। ग्राउंड की बात करें, इसमें एडिजन में 25 मैचों में 40 विकेट लिए, ग्लेन मैक्सवेल ने 23 मैच में 14 विकेट, एमस्टोनिस में 14 ने 14 विकेट, और एन ली ने 14 में 2 विकेट, नहीं आज खेलेंगे कि नहीं, बी कोच ने 6 मैच में 6 विकेट, स्टेट वाइज है। टी कोनल ने 4 ओवर में, एलवुड ने 1 ओवर एक एक मैच में 3 विकेट लिए, और एलगुट ने एक एक मैच में 3 विकेट, ये दोनों मोस्ट पिक रहेंगे आज। मुजफ्फर अहमद 2 मैच में 3 विकेट, कुछ खास नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। एन मेडिसन में 6 मैच में 7 विकेट लिए हैं, और के रिचर्डसन ने 4 मैच में 6 विकेट, तो वीर स्विट्जरलैंड ने 4 मैच में 2 विकेट, तो स्विट्जरलैंड आप छोड़ सकते हो अगर बोलो उनको, बट बैटिंग चॉइस में बहुत अच्छा प्लेयर है। ये अपना बैटल्स है, प्लेयर बैटल्स, इसमें कौन प्लेयर किस बॉलर के आगे थोड़ा सा डल पड़ जाता है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बॉलर के सामने अगर बैट्समैन आए तो उसको आउट आसानी से कर देता है, थोड़ा उस बारे में भी आप देख लीजिएगा। चलो अब टीम की ओर चलते हैं, टीम 11 में हम टीम बनाते हैं अपनी और आपको उसके बारे में बताते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, 10 मिनट पहले टीम चेंज कर दीजिए, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो तो फिर आपने देखनी ही पड़ेगी। ये अपना मैच है मुकाम्बे खुशुआ के नाम से, हमारी आईडी है, कभी ना कभी बड़ा अमाउंट जरूर जीतेंगे, अभी तक तो हमने 10-15 हज़ार से ऊपर कुछ ज़्यादा जीता नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे अमाउंट जीतते रहे, ज़रूरी नहीं है सारे मैच खेलने, और जो जो मैच अच्छा लगे वही खेले, और एक दो टीम लगा इससे ज़्यादा टीम ने लगाए, मैं कोई ड्रीम इलेवन वगैरह को सपोर्ट नहीं करता। आप किसी भी फील्ड में खेल सकते हैं, किसी भी मैच में आप ड्रीम इलेवन या माई सक इलेवन किसी में भी खेल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की मैच की टीम, इसमें से क्लार्क को ले सकते हैं, ए फिंच फॉर्म में चल रहे हैं, गप्टिल चल रहे हैं, जोर जोर तक चल ही रहे हैं, हम इसमें आज अगर सोनमार्स खेले तो सोनमार्स को ही लेंगे, जोर जोर को ड्रॉप करेंगे अगर सोनमार्स खेलेंगे तो, बाकी इनके उसमें एच के रिवर बहुत अच्छे प्लेयर है, यानी कि एन वाला भी बहुत अच्छा प्लेयर है, निक लैरकिन, यस जो भी है नाम बोलने में थोड़ा सा रहता है, याद नहीं रहते, एन मेडिसन शायद अब नहीं खेल रहे हैं, तो माइकल स्टोनिस को लेंगे, वेबिस्टर को लेंगे और स्विट्जरलैंड को। दूसरी ओर जाएंगे तो हम इसमें टॉन्ट बोल्ट को लेंगे, एडन जंपा बिल्कुल एवशन, एंड के रिचर्डसन को ले लेते हैं स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा बढ़िया बैट्समैन है, ये टीम रहेगी हमारी, जैसे अनाउंसमेंट होती है उसके बाद चेंज कर दी जाएगी। और इसमें हमारे कैप्टन वाइज तो हमारे अभी वेबिस्टर बॉलिंग वगैरह भी अच्छे करते हैं, इसमें हमारे कैप्टन में अभी इसको क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है कैप्टन वाइज कैप्टन में, तो हम ज़रूर चेंज करेंगे इसमें, लास्ट में जैसे आ जाएंगे तो हम पक्का ही चेंज करेंगे। अभी के लिए हम डाल देते हैं इसमें आपको, गुप्टिल फॉर्म में नहीं चल रहे हैं अभी, सेव मोड में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, सेव मोड में नहीं चले तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिस्टर ओपनिंग बैट्समैन करने आते हैं तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, गुप्टिल को रखेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन हुसैन को। जैसे टीम आ जाएगी दोस्तों फिर मैं आपको टीम डाल दूंगा, क्योंकि अभी कैप्टन वाइस कैप्टन हम नहीं बता सकते आपको कि अनाउंसमेंट भी कुछ प्लेयर खेलते कुछ नहीं खेलते, अभी तो यही कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसे आपको 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल दी जाएगी। चलो दोस्तों अगले मैच के लिए फिर हम प्रेडिक्शन बनाते हैं, फिर आपको बता देते हैं, बाय, टेक केयर, और कम से कम
दो मैच जरूर खेलना, मैं दो टीमें डालूंगा, दो मैच जरूर, दो टीमें दो मैच में जरूर लगाना, और एक मैच में दो टीमें, सॉरी एक मैच में दो टीमें जरूर लगाना आप, कैमरा कौन सी विन करा दे। बिल्कुल, बाय। ये टीम हम डाल देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे आपको मिल जाएगी ये टीम। अभी चलो चेंज करेंगे जब डालेंगे, अभी मैं आपको वीडियो वगैरह आप उसमें देखते रहिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा टाइम से। प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अब मेरी एक दो वीडियो है, थोड़ा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लूज़ ना करें। ड्रीम इलेवन में बहुत सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, ज़्यादा टीमें लगाते हैं, इसलिए एक दो टीमें लगाए दोस्तों, जीतेंगे ज़रूर, विश्वास रखें, हारने नहीं देंगे आपको। बाय, टेक केयर।